बेस्ट आई एस मैं सेल्फ एम रत्न भूषण। आज मैं आपको एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा वो हमारे स्टेट्स और फ्रंटियर और नेबरिंग कंट्रीज से है कि हमारे देश से कौन कौन से देशों की बाउंड्री लगी हुई है, और मैप में भी आपको मैं बताऊंगा कि और कैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे PSC के एस्पिरेंट हैं जो IAS की तो तैयारी करते हैं लेकिन वो मैप देखना नहीं जानते, जिसके बारे में एक टॉपिक पर जरूर कुछ दिनों बात दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत से उसके फ्रंटियर और नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन है, ये मैं आपको बताऊँगा। आपको मैं सबसे पहले ले चलता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान से आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो 1, 2, 3, 4 तो 4 स्टेट की बाउंड्री पाकिस्तान से लगी हुई है। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान से लगा हुआ एक है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है ये पंजाब आप देख सकते हैं, तीसरा है राजस्थान और चौथा है हमारा गुजरात। तो ये देखिए आप, ये इसकी बाउंड्री ऐसे लगी हुई है पाकिस्तान से। तो 4। दूसरा है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जम्मू एंड कश्मीर केवल एक है। तो ये आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर है, केवल ये थोड़ा सा एरिया जो है ये अफगानिस्तान से लगा हुआ है। द थर्ड इज चाइना। चाइना जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो 1, 2, 3, 4, 5 तो देखिए आप जम्मू कश्मीर सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है, उसके बाद उत्तराखंड है, उसके बाद आप इधर आ जाइए तो आपको मिलेगा एक तो अरुणाचल प्रदेश, आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेंगे एंड आपको अरुणाचल प्रदेश के बाद आप देखिए सिक्किम है यहाँ पे। तो आप देखिए एक है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई जो सीमाएं हैं फ्रंटियर से वो है हमारी चाइना से। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। सो आप देख सकते हैं ये हमारा नेपाल है, उत्तराखंड लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, बिहार लगा हुआ है, वेस्ट बंगाल लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप वेस्ट बंगाल लगा हुआ है और इसके सिक्किम से भी लगा हुआ है। तो नेपाल से लगे हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट है भूटान। नेक्स्ट हमारा है भूटान, जिससे लगी हुई सीमाएं हैं सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये देखिए ये है भूटान, भूटान ये है सिक्किम है आपका, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है आपका और वेस्ट बंगाल से लगी हुई इसकी बाउंड्री है। तो यहाँ पे आपका भूटान है, भूटान के ठीक नीचे आप देख सकते हैं आसाम है, उसके बगल में आपके राइट हैंड साइड में अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हैं म्यांमार को आप, ये आपका मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और मिजोरम है और एक आपका ये अरुणाचल प्रदेश से भी लगा हुआ है इसका इलाका है। तो आप देख सकते हैं इससे मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, इससे लगा हुआ म्यांमार की बाउंड्री है। द लास्ट वन इज बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप देख लीजिए बांग्लादेश से लगे हुए इलाके हैं हमारा। सबसे पहले मैं बता दूं वेस्ट बंगाल है, मेघालय है आपका, उसके बाद आपका देख सकते हो आप आसाम है, आसाम के बाद आपको मिल जाएगा त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है आपको दिख रहे हैं और एक और है जो हमारा मिजोरम है। सो दीज आर द सम फ्रंटियर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द PT एग्जाम्स। सो यू मस्ट रिमेंबर एंड द थिंग इज दिस वन, इसको आप बार बार 2-3 बार रिपीट करते रहो आप और ट्राई टू शेयर विथ अदर्स टू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर टू एनीबडी एल्स, सो ऑटोमेटिकली इट विल बी लर्न। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।